अस्सलाम वालेकुम। माय फूड स्पेस में आज मैं बना रही हूँ शनवारी चिकन कढ़ाई। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इधर मैंने मीडियम फ्लेम पे बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें एक कप भर के ऑयल ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा इसलिए यूज़ हो रहा है इसमें क्योंकि इसी में गोश्त को हम फ्राई करते हैं। मैं चिकन में बना रही हूँ, अगर आपको मटन या बीफ में बनाना है तो आप यही सेम रेसिपी यूज़ करके भी बना सकते हैं। सॉल्ट ऐड करके 10 से 12 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई करना है कि जब तक अच्छे से कलर आ जाए चिकन का। इधर देखिए चिकन का बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो आप इस स्टेज पे टोमेटोज ऐड करेंगे। टोमेटोज आपको इसी तरीके से ऐड करने हैं क्योंकि बाद में इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। सारे टोमेटोज ऐड करके लो फ्लेम पे कवर करके आप इसको छोड़ दें तो उसकी ही स्टीम में टोमेटोज गल जाएंगे। 5 मिनट के बाद देखें टोमेटोज बहुत अच्छे से गल गए हैं और उसकी स्किन भी इजीली रिमूव हो जाएगी। स्किन रिमूव कर ली है, अब इसमें जो एक्सेस ऑयल है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे और इतना रहने देंगे कि जितना ग्रेवी में अच्छा लगे। ऑयल रिमूव कर लिया है और अब टोमेटोज को मैश कर लेंगे ताकि मज़े की ग्रेवी बन सके। टोमेटोज मैश हो गए हैं, अब इधर मैं ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी। ग्रीन चिलीज ऐड करके 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम करके अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, जो पेशावर की ऑथेंटिक शनवारी होती है उसमें वो सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हैं और कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसी तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स को थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इधर मैंने काली मिर्चें, जीरा और धनिया लिया है, इसको मैं 1 मिनट तक अच्छे से भून के पीस लूँगी। देखिए अगर 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई मैंने कर ली है और अब जो मसाला मैंने पीसा था वो मैं ऐड करके सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको और कुक करूँगी। अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई भी हो चुकी है और इस स्टेज पे कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसमें आप लेमन जूस ऐड कर लें और हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक के साथ गार्निश करके सर्व करें और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाजमी लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।